नमस्कार दोस्तों, बीबीसी कंप्यूटर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे बीबीसी की एक कैबिनेट जो कि उन्होंने समा कंपनी के साथ टाई अप करके लॉन्च की है, जिसका मॉडल है आपका 3906। तो आपका ये 3906 जो मॉडल है, आप देख सकते हैं ये कैबिनेट है। वो इसमें आपकी फ्रंट में RGB स्ट्रिप दी गई है, आपकी रेनबो RGB स्ट्रिप है। RGB स्ट्रिप भी दो तरह की होती है, एक नॉर्मल RGB स्ट्रिप होती है, एक रेनबो RGB स्ट्रिप होती है। तो इसके अंदर आपकी रेनबो RGB स्ट्रिप दी गई है, आप देख सकते हैं इसका फ्लो और नॉर्मल RGB का फ्लो में फ़र्क होता है। तो ये आपकी वो कैबिनेट है, इसकी आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे। तो इसकी फीचर्स और डिटेल्स के बारे में पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहें और पूरा वीडियो देखें, जिससे कि आप किसी भी जानकारी को मिस ना कर सकें। अब हम इसकी कैबिनेट की अनबॉक्सिंग करेंगे, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा जब आप ये कैबिनेट बाय करेंगे तो, और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, उसकी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बीबीसी की जितनी भी टेम्पर्ड ग्लास वाली कैबिनेट होती है, उनमें आपको EPA पैकिंग मिलेगी। EPA पैकिंग ये सॉफ्ट फोम की होती है, जिससे कि किसी तरह के झटके वगैरह या किसी भी इशू में ये आपके टेम्पर्ड ग्लास को ब्रेकेज ना करे और वो ब्रेकेज ना हो, इसलिए EPA पैकिंग का यूज किया जाता है। ये आपकी कैबिनेट है, ये आप देख सकते हैं मैंने बाहर निकाल ली है। सबसे पहले ये आपका ऊपर टॉप पैनल है, टॉप पैनल में आप देख सकते हैं एक आपको ये मैग्नेटिक डस्ट कवर दिया गया है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसमें आप 80 सेंटीमीटर का फ़ैन, 120 सेंटीमीटर का फ़ैन, 140 सेंटीमीटर तक का फ़ैन इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसमें 3 120 mm के फ़ैन इंस्टॉल कर सकते हैं और वाटर कूलर भी ऊपर टॉप पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इधर की अगर हम बात करें तो ये आपके टॉप पे इसके यहाँ पे आपके स्विचेज हैं। पहला स्विच ये आपका रिस्टार्ट का है, ये आपके HD ऑडियो के लिए पोर्ट दिए गए, एक ऑडियो के लिए, एक माइक के लिए, 2 2.0 USB, एक 3.0 USB और एक आपका ये LED जो आपकी रेनबो LED इसके फ्रंट में दी गई है, उसके फंक्शंस को बदलने के लिए, मेन्स LED चेंज करने के लिए, कलर कॉम्बिनेशन चेंज करने के लिए बटन दिया गया है। इस बटन के थ्रू आप अपना पर्टिकुलर कलर कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब हम इसके फ्रंट पैनल की बात करें तो ये आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट पैनल है बहुत ही अच्छा है। ये आपकी यहाँ से लेके ऐसे करके कि रेनबो LED स्ट्रिप इसमें लगाई गई है, और फ्रंट पैनल की बात करें तो बहुत अच्छा फ्रंट पैनल है। ये आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है आगे की बहुत ही अच्छी है, और ये आपका मैट फिनिश में है, तो इसके ऊपर डस्ट भी आपकी ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी। या आप इसके आराम से एक किसी भी तरह के क्लॉथ से क्लीन कीजिए, आराम से क्लीन हो जाएगा, किसी तरह का स्क्रैच नहीं लगेगा इस पर। ये हमारा इसमें यहाँ फ्रंट में पावर का बटन दिया गया है, पावर का बटन टॉप पे नहीं है, ये आपका फ्रंट में दिया गया है। अब हम इसके साइड पैनल को ओपन करते हैं। ये आपका साइड पैनल है, जो एक साइड का पैनल है टेम्पर्ड ग्लास है,
आप देख सकते हैं टेम्पर्ड ग्लास है, साथ में इसके ब्लैक कलर की कोटिंग की गई है। आपके स्क्रूज आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी ब्लैक कलर का रबड़ दिया गया है जिससे कि इसके किसी भी तरह के झटके वगैरह में ये जो आपके ग्लास है इसकी ब्रेकेज ना हो। ये आप यहाँ देख सकते हैं तो इसका जो ग्लास भी है वो भी फ्रंट पैनल के हिसाब से मॉड्यूल किया गया है, और ये आपके इसके ऊपर दोनों साइड फ्रंट में और बैक साइड में ये आपकी पॉलीथीन से कवर किया गया है जिससे कि इसके ऊपर किसी तरह का स्क्रैच ना है। ये आपकी इसके लिए दी गई है, और साथ में आपको मैंने बताया कि ब्लैक कोटिंग की गई है जिससे कि इसका लुक और अच्छा है इस तरीके से। अब आप इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक डिजाइन है, बहुत ही अच्छा डिजाइन बिल्ड किया गया है कंपनी के द्वारा। ये आप इसके अंदर ATX, माइक्रो ATX, मिनी ATX मदरबोर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये आप रेयर में भी एक इसमें फ़ैन इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे 120 mm का 140 mm तक का फ़ैन आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं रेयर में। और अब हम इसके डाउन साइड में जाते हैं तो डाउन साइड में आप देख सकते हैं चार इसके सपोर्टिंग दिए गए हैं जिससे कि आप इसको आराम से इसको रखेंगे तो आपके ये बहुत ही स्टाइलिश और डिजाइनर दिए गए हैं। साथ में इनका वो फोम की कोटिंग दी गई जिससे किसी तरह के वाइब्रेशन में ये आपके कैबिनेट को मूवमेंट नहीं देंगे, मूवमेंट नहीं होने देंगे। ये आप देख सकते हैं एक नीचे की तरफ यहाँ पे एक डस्ट फिल्टर भी दिया गया है आपका PSU के लिए, ये भी मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर है, आप इसको आराम से इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं इस तरीके से। यह आपका बॉटम साइड हो गया। अब हम इसके बैक साइड में जाते हैं, यह आपका बैक पैनल है, यह आपका बैक पैनल। बैक पैनल में आप देख सकते हैं आपका एक इसमें पहले से ही आपका एक कंट्रोलर इंस्टॉल है जो कि आपके RGB LEDs को LED बटन के थ्रू कंट्रोल करता है। इसमें आप और चाहें तो और RGB फैन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये आपका इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप एक SSD यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और एक SSD के लिए अंदर की तरफ भी यहाँ पे ये स्लॉट दिया गया है, एक SSD आप यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, दो SSD आप इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और दो आपके 3.5 inch यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपकी दो 3.5 inch के लिए यहाँ पे स्पेस दिया गया है। हम इसकी वायर्स और स्क्रूज निकालते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके साथ एक आपको एक्स्ट्रा स्पेयर एक्सपेंशन स्लॉट की पत्ती दी गई है। इन फ्यूचर आप कोई कार्ड अपन निकालते हैं या नया लगाते हैं तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं जिससे कि बाहर से किसी तरह का चूहे वगैरह का खतरा नहीं बनेगा। और ये आपके स्क्रूज हैं, ये आपके साइड टेम्पर्ड ग्लास के लिए एक्स्ट्रा माउंटिंग दी गई है, अगर कोई खो जाती है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपके लॉन्ग स्क्रू भी इसके अंदर दिए गए हैं, और ये आपके इसके अंदर नॉर्मल स्क्रूज है। ये आप देख सकते हैं हर चीज़ इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रोवाइड की गई है जिससे कि आप किसी भी तरह के इन फ्यूचर में यूज कर सके। हर तरह के स्क्रू प्रोवाइड गए हैं, साथ में एक्स्ट्रा बड़े स्क्रूज भी प्रोवाइड किए गए हैं। ये आपके इस तरीके से इसमें इस पे पार स्क्रूज की बात है तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में बहुत सारे स्क्रूज दिए गए हैं, और सब वैरायटी के कवर किए गए हैं। इसी के साथ ही आपके कुछ टाइल भी इसके अंदर दी गई हैं। ये तो हो गई हमारी स्क्रूज की बात, अब हम बात करते हैं वायर की। ये आपकी कंट्रोलर के लिए कनेक्टर दिए गए, आप इसको अपने PSU से कनेक्ट कर लीजिए। मोलेक्स कनेक्टर है, मेल फीमेल, आप अपने PSU के मोलेक्स कनेक्टर में इसको कंट्रोल करेंगे तो आपका ये कंट्रोलर वर्क करने लगेगा। ये आपका एक 3.0 का पोर्ट दिया गया है, एक USB का इसके अंदर पोर्ट दिया गया है, बाकी आपकी केबल्स, पावर, रिस्टार्ट, LED
वगैरह के लिए दी गई है, और ये आपका एक HD ऑडियो का पोर्ट दिया है। केबल की क्वालिटी आप देख सकते हैं वीडियो में, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी की केबल्स इसमें इंस्टॉल की गई हैं, जिससे कि किसी तरह की इसमें लूज ना हो या किसी भी तरह का आपको इन फ्यूचर इश्यू ना आए। बहुत ही अच्छी वायर्स यूज की गई हैं। हम बात करें अगर PSU के स्पेस की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा PSU का स्पेस है, साइज बहुत अच्छा दिया गया है PSU के लिए, आप अच्छा खासा PSU इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था आपका इस कैबिनेट के बारे में। अब हम बात करते हैं फ्रंट पैनल की, कि फ्रंट पैनल में अगर हम एयर फ्लो की बात करें तो फ्रंट पैनल में एयर फ्लो कैसे होगा। तो जब हम फ्रंट पैनल को इसको इंस्टॉल करेंगे, फैन वगैरह या वाटर कूलर, तो ये जो आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स बने हुए हैं, ये इस तरीके से जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं ये आपके एयर के लिए ही बने हुए हैं। अंदर नेट लगा हुआ है जिससे कि आपका डस्ट अंदर ना जाए, और उसके ऊपर ये एयर के लिए स्पेस बना रखा है। ये आपका फ्रंट में ये इस साइड ही है, ये आपका इस साइड, इसमें एयर के लिए स्पेस बना रखा है, जिससे कि आपकी जितनी भी एयर है आप ले रहे हैं, मीन्स अंदर कैबिनेट प्रोडक्ट्स में ले रहे हैं, मीन्स अंदर आप खींच रहे हैं या आप प्रोडक्ट बाहर निकाल रहे हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा काम करेगा। बाकी आप ये देख सकते हैं नीचे की तरफ भी स्पेस है, यहाँ से भी आपकी एयर अंदर की तरफ जाएगी। और टॉप में जैसा कि हमने पहले बात की थी, ये आपका टॉप में इसका अच्छा खासा एयर के लिए स्पेस दिया गया। बैक साइड की बात करें तो आप ये देख सकते हैं ये आपका बैक में भी अच्छा खासा एयर के लिए स्पेस दिया गया, और ये आपके एक्सपेंशन स्लॉट हैं इसमें दिए गए हैं, दो दो चार दो छः सात सात एक्सपेंशन स्लॉट है। बॉटम माउंटेड आपका PSU है, स्पार्टेड PSU का स्पेस दिया गया। अब हम अगर इसके फ्रंट पैनल की बात करें, तो ये फ्रंट पैनल ओपन करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप फ्रंट पैनल ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये जो नीचे स्पेस दिया होता है, यहाँ पर अपना हाथ डालिए, हाथ डालने के बाद बस इसको आपको पुश करना है ऊपर की तरफ, और पुश करने के लिए आराम से पुश कीजिए, ज़्यादा जोर मत लगाइए नहीं तो कई बार ये टूट सकता है। और इसको हमेशा खोलने से पहले एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी ये जो वायर्स हैं ये खुली हुई होनी चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल अलग होनी चाहिए, नहीं तो जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ से आपकी वायर्स जो है वो खींच सकती हैं, खींचने से आपका किसी तरह का डैमेज इसमें क्रिएट हो सकता है, और आपको बाद में इन फ्यूचर या तो रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी या किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप इसको यहाँ से आराम से सबसे पहले अपनी वायर्स निकालें, उसके बाद आराम से इनको फ्रंट पैनल को ओपन करें। ये मैंने आपका फ्रंट पैनल ओपन कर दिया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप बड़ा वाटर कूलर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, AIO वाटर कूलर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, DIY वाटर कूलर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपका फ्रंट में आप इसमें 140 mm का फ़ैन भी लगा सकते हैं, 120 mm का भी लगा सकते हैं, 80 mm तक का फ़ैन लगा सकते हैं, तीन फैन की इसके फ्रंट पैनल में कैपेसिटी है, और आप वाटर कूलर भी इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था, आप ये यहाँ देख सकते हैं, देखिए आपके लिए डस्ट कवर लगाया गया, उसके बाद ये आपका यहाँ पे स्पेस दिया गया है हवा के लिए, जो कि बहुत ही स्टाइलिश और अच्छी तरीके से दिया गया है, जिससे कि इन फ्यूचर किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। अब हम इसकी बात करते हैं केबल मैनेजमेंट की। अगर हम फ्रंट में बात करें तो ये आप देख सकते हैं ये स्पेस, ये केबल मैनेजमेंट के लिए दिए, ये हो गया ये आपके जो स्पेस दिए गए हैं केबल मैनेजमेंट के लिए ही दिए गए हैं। अब मैं इसका पहले पैनल फिक्स करता हूँ, उसके बाद हम बाकी केबल मैनेजमेंट की बात करते हैं। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो ये आपके केबल मैनेजमेंट के लिए दिए गए हैं, ये आप PSU के यहाँ पे भी देखें तो आपकी PSU की वायर्स निकालने के लिए अंदर मदरबोर्ड के लिए यहाँ पे ये स्पेस दिया गया, ये आपका हार्ड डिस्क वगैरह के कनेक्शन के लिए दिया गया, आप इस तरीके से वायर्स वगैरह इसमें निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी टॉप पे भी दिया गया, आपके फ़ैन वगैरह के कनेक्टर्स को पीछे से ही आप यहीं से ही बाहर निकाल सकते हैं, कनेक्शन दिए गए हैं जिनसे भी आप अपनी टाई के थ्रू इनको कनेक्ट करके सीधी वायर्स अपनी नीचे ला सकते हैं, तो आपको किसी भी तरह की वायर्स का इश्यू नहीं होगा। या आप इस तरीके से यहाँ से अपनी वायर्स बाहर निकाल के डायरेक्ट मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर सकते हैं, ये स्पेस यहाँ पे भी दिया गया है, जिससे कि आप PSU से डायरेक्ट अपनी वायर्स को बाहर निकाल सकते हैं। ये इस कैबिनेट के बारे में जानकारी थी, जितना हम कवर कर सकते थे हमने कर लिया है। अगर कोई आपका इशू या कोई क्वेश्चन आपका रह गया या कोई मैं बात कवर करना भूल गया हूँ इस वीडियो के अंदर, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने हर एक डाउट को क्लियर कीजिए, बिल्कुल अपना क्वेश्चंस को पुट कीजिए, जिस भी तरह का आपको इशू आ रहा है, कोई क्वेश्चन है आपका इस कैबिनेट के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, हमारी जो
कंपनी है वो आपके जो उस टाइम एजुकेटिव होंगे वो आपको रिप्लाई देंगे, तो आप उस चीज़ की बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और अगर आपको ये हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा हो और अगर आप इसको बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो देखिए। और ये आपका प्रोडक्ट था 3906 मॉडल था, इसकी हमने इसमें अनबॉक्सिंग करी, रिव्यू करा, आप इसके बारे में देख सकते हैं, हमने इसकी सारी डिटेल्स इसमें कवर किए। और अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में बॉक्स में पूछिए, ईमेल कीजिए, किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और ये अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो और आप हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी हमारी कंपनी के बारे में जान सकें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।